जय हिंद। बिहार फिजिकल लर्निंग एकेडमी समय अभय सर और नीरज सर आप तमाम साथियों को स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सभी को बता दें कि बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए अभी उस पर कोई चर्चा या नोटिस नहीं जारी किया गया हमारे सीएसबीसी के अधिकारियों द्वारा या शोभा अहोतकर द्वारा, जो सीएसबीसी के नए प्रभार में उनको दिया गया है, वो अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं या कोई बात नहीं रखी है। जहाँ तक हम सभी को उम्मीद है कि हम मेरा उम्मीद है और मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये एग्जाम में इतना देरी क्यों हो रहा है और का क्यों इतना कठिनाइयाँ हो रही है, क्योंकि बच्चा तमाम है, उस बच्चा के हित में आप सोच नहीं रहे हैं तभी जाके ये इतना आपको कठिनाई हो रहा है। आप उससे कम कम बहाली का लेते हो, जबिन दरोगा का जो बद निषेध का था वो फॉर्म भरा है और 28 को एग्जाम भी ले रहे हैं, होम डिस्ट्रिक्ट ले रहे हैं, तो इसको क्यों नहीं ले रहे हैं? इसमें क्या कठिनाइयाँ है, क्यों दिक्कत हो रहा है आपको? क्योंकि ये भी बच्चा बहुत सारे मेहनत करके बहुत सारे अपना इधर उधर भाग दौड़ से आके यहाँ तैयारी किया, तैयारी करने के बाद आपसे क्वेश्चन वायरल हो गया, ये सब तो आपकी दिक्कत है, आपकी कठिनाइयां है। आप इस कठिनाइयों को दूर कीजिए और तमाम बच्चों के हित में सोचिए और उस पर आप लोग अमल कीजिए, बहुत जल्द से जल्द इस पर नोटिस दीजिए। और मुझे उम्मीद है 15 से 20 के बीच में इस पर कोई एकदम नोटिस आना ही आना है, जहां तक मुझे जानकारी है। और ये पूरी तरह से आप सभी स्वस्थ रहिए, 15 से 20 के बीच में संभावना की तरह 100% विश्वास भी है हमको कि जो भी किसी चीज के अगर सही से चाहा जाए तो उसको इंतजार अगर सामने वाला कर रहा है तो बहुत ही संघर्षमय जीवन होता है। तो उस संघर्षमय जीवन में आप सभी इतना व्याकुल हैं इसका एग्जाम के प्रति जानने के लिए और कब एग्जाम होगा, कैसे इस पर क्या होगा, कैसे कोई बोल रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, बहुत सारे YouTube चैनल वाले बोल रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा नोटिस में था। ये आप सभी जितने भी छात्र हैं एकदम पूरी तरह से अपने आप पे विश्वास कीजिए, ये ऑफलाइन एग्जाम होगा लेकिन पूरी निष्पक्षता के साथ एग्जाम होगा। ये हमारे जो नए CSBC के अध्यक्ष साहब हैं उन पर ही डिपेंड है कि ये एग्जाम कैसे ले रहे हैं, क्या कोई अंदर से थोड़े बता दे रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है कि क्या हो रहा है, उसका क्या चर्चा चल रहा है। हम सभी अपना एक अनुमानित बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, मतलब जो कहीं ना कहीं किसी का है जिला में हो चाहे कहीं हो, सेंटर जो अलर्ट होता है तो पता चलता है, तो वैसे भी पता हम लोगों को कहीं कहीं चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो सब जब मान लो एग्जाम होने के समय आता है तो सरकार खुद ब खुद अपने पटल पर रखती है, जिसे हम सभी भी देखते हैं और आप सभी भी अपना देख कर तैयारी करते हैं, लेकिन इसका ना कोई दिशा निर्देश नहीं था। इतना दिन से आप सभी क्या कर रहे हैं और आपको CSBC के अध्यक्ष बने भी कुछ 2-4 दिन हो गया, तो उसमें भी आप सोचिए, बच्चों के हित में सोचिए। आप बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हैं तो आपसे यही उम्मीद लगाया जा रहा है, यही अपेक्षा भी किया जा रहा है कि आप बच्चों के हित में सोचिए और बच्चा के हित में जब सोचिएगा तो बच्चा आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव मिलेगा। आप ही के डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं ये सिपाही से ही सब कुछ होने वाला है, तो ये इतना सारा वैकेंसी है सिपाही का, तो उसको आप सम्मिलित कीजिए, उन बच्चों को खुशियाँ दीजिए और आने वाला समय में उनको कहीं ना कहीं पद स्थापित कीजिए, जिससे उनका भी मान मर्यादा बढ़े और उनका घर परिवार का भी मान मर्यादा बढ़े, क्योंकि वो बहुत चिंतित है कि कब एग्जाम होगा, क्या होगा, नहीं होगा, क्या एग्जाम होगा भी इस साल की नहीं होगा, ये सब लेके बहुत सारे कठिनाइयां हैं, क्योंकि ये जब इधर नहीं होगा तो फिर चुनाव आ जाएगा, चुनाव में लग जाइएगा, ये बहुत तरह के विडंबना है। और रही बात की जैसे BPSC का है कि वो कैलेंडर अपने जारी कर दिया है कि ये काम करेंगे, तो आप लोग भी कैलेंडर जारी कर दीजिए। अगर हमेशा वैकेंसी हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब बोले ही थे कि पिछले साल हमेशा वैकेंसी से बिहार पुलिस का आएगा, तो उस पर आप लोग भी एक CSBC द्वारा एक नोटिस जारी कर दिए कि इस डेट में आपका सभी का एग्जाम होगा, इस मंथ में एग्जाम होगा, तो उससे क्या होगा कि बच्चा भी अपना तैयारी में लगे रहेगा, अपना तैयारी करते रहेगा और आप सभी को भी उतना टेंशन नहीं रहेगा कि क्या होने होगा नहीं होगा। बाकी जो आप जो रूटीन दीजिएगा, रोड मैप दीजिए, उसी रोड मैप पर ये भी बच्चा चलने के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो उस तैयारी के लिए पहले आपको सजग होना पड़ेगा। आप उस लेवल पर चलिए और बच्चा को भी उस लेवल पर ले चलिए कि बच्चा भी इधर आप जैसे चाहिएगा वैसे बच्चा चाहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है, आप जिस लेवल पे इसको ले जाना चाहते हैं उस लेवल पे ले जा सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है कि इसको कब एग्जाम करा रहे हैं, कब इसका फिजिकल कराइएगा, कब ज्वाइनिंग कराइएगा, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत पुराना हो चुका है। आप इतना बड़ा बोल के पेपर या सब कुछ में इतना बड़ा वैकेंसी आज तक नहीं आया, लेकिन अभी इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्यों क्यों बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, ये सब बात बहुत मतलब अमर्यादित है, क्योंकि बच्चा भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसके बाद का जो भी वैकेंसी है चाहे जितना भी करे
है वो सबका एग्जाम हो रहा है, तो मेरा एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है? ये सब बच्चा डेली हम लोग से भी पूछ रहा है कि भैया हम लोग का एग्जाम कब होगा, नहीं होगा। ये आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जल्द से जल्द इस पर नोटिस दीजिए। आप सभी जो जो भी है 15 से 20 के मुझे में संभावना है कि 100% नोटिस आने की ये उम्मीद भी है, और आशा करता हूँ कि ऊपर वाला की कृपा से भी कि नोटिस आए और वो जल्द से जल्द एग्जाम हो, तमाम बच्चों के जो सपना है वो सपना साकार हो, और आने वाला भविष्य आप सभी कहीं ना कहीं वर्दी में हमें मिले और अपना मान मर्यादा बनाए रखे, और उस मान मर्यादा में अपने मम्मी पापा का सपना भी बहुत तरह आप बहुत नजदीक है, क्योंकि उसके बदौलत ही आप यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उनका भी सपना लेकर चलना है और उनकी मान मर्यादा में कोई कमी नहीं छोड़ना है। इसलिए आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसका फल मीठा होगा। लेकिन हाँ, इतना भी नहीं इंतजार करना पड़े कि आप सभी हम इंतजार करते 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 बहुत समय हो जाए और तैयारी का जो क्रम अभी सिलसिलेवार चल रहा है वो छूट जाए। यही रिक्वेस्ट रहेगा हमारे CSBC साहब साहब के वहाँ जितने भी अधिकारी हैं वहाँ से और अध्यक्ष साहब से कि जल्द से जल्द इस पर नोटिस दिया जाए और बच्चा का एग्जाम कराया जाए, क्योंकि बच्चा आप सभी के समक्ष आप ही के अनुकूल काम करेगा, आप ही के नीचे अंडर में काम करेगा। तो इसलिए बच्चा को आप उतना मत सताइए जितना से बच्चा अपना कुछ हानि पहुंचा ले और आने वाले समय में बच्चा फिर अपना वो एग्जाम ना दे पाए, चाहे जो भी कठिनाइयां हो कहीं चल जाए इधर उधर। ये ऐसा सिचुएशन है कि बहुत सारे लोग बहुत जगह से आए थे, अपना फॉर्म डाले थे, एग्जाम देने के लिए पढ़ाई कर रहे थे, फिर उनके घर का परिस्थिति सही नहीं होने के कारण बहुत बच्चे चले गए फिर कमाने। तो ये आप सभी से बहुत रिक्वेस्ट रहेगा कि जल्द से जल्द एग्जाम कराइए, उन बच्चों को भी सोचिए जो तैयारी करके फिर चले गए, अपने पैसा की स्थिति में सही ना होने के कारण फिर चले गए कमाने। उसके लिए बहुत हमें भी खेद है, आप सबको भी खेद होगा, लेकिन जल्द से जल्द इस पर चर्चा कीजिए और नोटिस दीजिए। बिहार फिजिकल लर्निंग एकेडमी यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है, इसे लाइक सब्सक्राइब दोनों करें, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा मैं अपने माध्यम से अपने यूट्यूब के पटल पर रखूंगा, जिसे आप सभी देख सकते हैं। इसे लाइक सब्सक्राइब दोनों करें। जय हिंद।